देखिए, ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें कुछ पैसे मिले थे हूपर्स खरीदने के लिए, और जो हमने एक इसमें एक जो बाज़ाबता प्रोसीजर होता है हूपर खरीदने का, तो हमने इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तैयार की थी और हमने एमईडी को बोला था कि हमें इसकी टेक्निकल सेंक्शन चाहिए, जो कि एमईडी ने ये हूपर जो है परचेज़ किए हैं। बाद में जो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये एक टन लोड उठाएगा तकरीबन 10 क्विंटल का, और 6 क्विंटल से इनका ये हाल है। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें एक इंक्वायरी होगी कि ये स्पेसिफिकेशन इन्होंने चेंज क्यों की है। अगर हमें 10 क्विंटल यहाँ पे उठाने हैं, इनको लोड उठाना है 10 क्विंटल, तो ये 6 क्विंटल से इनका ये हाल है, तो ये सरकारी इमला को नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इसमें सोचना चाहिए, जो अफसर हजरात हैं जो जिन्होंने टेक्निकल सेंक्शन दी है उसमें इस चीज़ में कि इनको जो आवाम के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, ये अभी जो असासा है ज़ाया हो रहा है। देखिए, वो पहले कॉरपोरेशन जब हमारी बनी उससे पहले की वो उन्होंने ख़रीदे हैं, हमें उस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। तो इस बारे में हमें जानकारी है, हमने लाए थे, हमने सोचा था कि लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, डोर टू डोर कलेक्शन होगी। जो हमारे ओपन गारबेज शेड है शहर में, जहाँ पे आपको रोज़ शिकायतें होती है कि वहाँ पे कुत्तों की भरमार होती है ओपन गारबेज शेड पे, तो हमने सोचा था कि ये सिस्टम शहर में कम होगा, इस चीज़ से इनकी जो लोगों को सहूलियत है, बुनियादी सहूलियत, वो मिलेगी। मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जो यहाँ पे अफसर बैठे हैं जिनकी ये टेक्निकल सेंक्शन जिन्होंने इसकी दी है, जिन्होंने ये खरीदे हैं और जिन्होंने ये पास किया है, तो मुझे लगता है ये सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना है। जी देखिए, जैसे हर साल यहाँ पे विंटर्स होते हैं, इस साल भी होंगे। जैसे आपने देखा कि हमारे पिछले साल मशीनरी हमारे पास कम थी, आज है, मगर इस मशीनरी को चलाने के लिए हमारे पास मेन पावर बहुत कम है। जैसे आपने ये भी आपने अभी पूछा कि इनको कौन चला रहा है, इन हूपर्स को हमने ड्राइवरों की तकरीरी नहीं की। इन जो नए हूपर्स हैं इनको लिस्ट मांगा जा रहा है कि वार्ड्स में किसके पास लाइसेंस है, विदाउट कमर्शियल लाइसेंस ये ड्राइव करते हैं, ये भी एक जुर्म है। डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे हरबों से ऐसे हरबे नहीं करने चाहिए। जो भी लवाजमात पूरे होंगे, जिसके पास भी कमर्शियल लाइसेंस होगी, वो ये जो हूपर्स है वो चला सकते हैं। बाकी ये तो कानून की वायलेशन है। आपने देखा होगा कि मैंने अभी लिस्ट भी मंगवाई है, मैं उसमें एक कमेटी भी बिठाऊंगा, उसमें एक मीटिंग भी होगी कि ये जो हमारे पास सफाई कर्मचारी है जिनके पास लाइसेंस है, तो वो इन चीज़ों को कैसे चला रहे हैं।